हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ITCZ के बारे में जानेंगे। अब ITCZ है क्या? देखो, इसकी फुल फॉर्म है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अर्थात अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये क्या होता है? देखो, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है, इसे हम बोलते हैं ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के आसपास वृत्ताकार क्षेत्र है जहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या फिर इसे शॉर्ट में ITCZ कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि व्यापारिक पवनें होती क्या है। देखो, व्यापारिक पवनों की अगर हम बात करें तो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में जो हवाएं चलती है उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, तो इन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। और जिस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है उसे हम कहते हैं ITCZ। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे, यह है हमारी पृथ्वी, ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, इसे हम कहते हैं ITCZ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, इस वजह से आसपास की जो व्यापारिक पवनें हैं आपस में यहाँ पर मिलती है। ये उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में इस क्षेत्र में मिलती है, इसे हम कहते हैं ITCZ जोन। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर कम दबाव वाला क्षेत्र पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है और जून में लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश पर यह पाया जाता है। यहाँ पर अंत इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।